ओ भाई इसमें तुम्हारे कपड़े नहीं आएंगे, ये मेरे अपना नया सूटकेस रखो। मेरे कपड़े पहन मेरे नहीं भाई, हो गई हमारी अंडमान की ट्रिप स्टार्ट। हम जा रहे हैं अंडमान निकोबार 4 साल बाद, मियां बीबी अकेले पहली बार, नहीं तो मम्मी पापा आध्या यश कोई ना कोई हमारे साथ होता ही है। तो भाई इस अंडमान ट्रिप में हम दोनों जब अकेले जा रहे तो कांड तो हो गई, पर कांड से पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जब हमने आध्या को बताया कि हम अंडमान अकेले जा रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या था। हम दोनों अलग हो जाएंगे, फिर मिलेंगे आध्या। हाँ तो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो गए और निकल रहे। बाय गाइस, सुकून की जिंदगी जीना कुछ दिन, मैं आ रही हूँ। आप लोगों ने बहुत सारी जर्नी देखी होगी ट्रेन तक जाने की, आज हम आपको दिखाएंगे वो विचित्र चीजें जो हमने स्टेशन पे देखी। इस बार हम 2 घंटा वेट किए थे इसीलिए सारी चीजें पता चली होगी सुबह सुबह। भाई इस भाई साहब को पता नहीं क्या हो गया, ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, ऐसे हिल रहा है, डांस कर रहा है, ये पागल। ये बोलते तुषार वीडियो ले दे, मैं बोला सामने ही आके नाचने लगेगा क्या पता। माता रानी के दर्शन करने नंगे पैर जाते, भाई तुम स्टेशन पे नंगे पैर क्यों चल रहे हो, मोजे पहन के क्यों घूम रहे हो, घर बना लिया अपना लोगों ने इसको। फाइनली 3 घंटे के डिले के बाद ट्रेन जी ने दर्शन दिए। तो हमारी सीट बहुत सही थी, मस्त अपने को कोचा मिला हुआ था, पूरा 1 AC जैसा कंपार्टमेंट था हमारा। तो भाई मतलब मैं तो आगे सबसे पहले पर्दा लगाया, उन्होंने नो पीकिंग इनसाइड। और जब मैंने पर्दा लगा के इधर मुड़ के देखा तो तुषार पता नहीं क्या पोथियां लेके, जैसे कोई रिविजन नहीं करते बोर्ड के एग्जाम की, इतना पढ़ लिया होता तो इसने आइल्स वाइल्स कुछ क्लियर कर लिया होता। अरे भाई अब वो आइटनरी थी पढ़ना तो पड़ेगा ना, कहाँ जाना है, किससे बात करना है, कौन आएगा। उसके दो कॉपी है जस्ट इन केस हो जाए तो दूसरा, क्योंकि मैं तो खोता रहता हूँ भाई। ये था अपना कपल टाइम, सोए जा रहा है गधे घोड़े बेच के, आते ही चादर ओढ़ के सो गया। खाली ये मुंडा दिख रहा है मुझे, उसकी पूरा शरीर दिख ही नहीं रहा, सिर्फ इतना बड़ा मुंडा। और तो 6 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे मुंबई, और तुम विश्वास नहीं करोगे हमें 10 बज गए रात को एयरपोर्ट पहुंचते हुए। इतना ट्रैफिक, सर के ऊपर गाड़ियां चढ़ी हुई। एनीवेज हम लोग 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचे, अभी 12 बजे फ्लाइट थी, 2 घंटे और काटने थे एयरपोर्ट पे। किसी तरह वो 2 घंटे कटे क्योंकि इतनी नींद आ रही थी। नींद आ रही है बट मैडम को तो सेल्फी से छुटकारा नहीं मिलता यार। हम प्लेन में जाते ही सो गए। उसके बाद हम लोग पहुंचे हैदराबाद, वहां पे मैंने जाके देखा ना आदमी ना आदमी की जात, कोई है ही नहीं पूरे एयरपोर्ट पे, खाली पड़ा हुआ है। हम बोले भाई बुकिंग किसके थ्रू करवाएंगे। अब चढ़ गए अपन लोग हैदराबाद की फ्लाइट में। हैदराबाद से अंडमान पूरे बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करके जाना था। हमें तो पता नहीं था कि बादल इतने ज्यादा मेहरबान होंगे कि गरजते रहेंगे। हम दोनों को तो नानी दादी सब याद आ गए। फ्लाइट हिले धगड़ 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 धगड़, हमारा दिल हुए थपड़ 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 थपड़। जब फ्लाइट बोर्ड किया तो एक महान मूवी देखी, इतनी महान कि अगर उसकी एडिटिंग मुझे मिल जाती ना तो मैं इससे बेटर एडिटिंग कर देती। नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सी मूवी देखी। और इन सब महान चीज़ों के बीच में आई 2 खूबसूरत महिलाएं जिन्होंने बोला हाँ वो हमारी फैंस है, जो एयर हॉस्ट्रेस थी उस फ्लाइट की। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्पेशल मोमेंट हुआ। और उन्होंने इतनी सारी फ्री की चीजें दे दी। भाई फ्री की चीजों की तो मैं हमेशा से ही फैन हूँ, मैंने सारी पॉकेट में डाल ली थैंक यू बोल के। बट बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर एट 35,000 फीट ऑफ हाइट और वहाँ पे कोई ऐसा आपको स्पेशल फील करा है, इट्स अ मेमोरेबल, वो भी स्पेशली आपकी बर्थडे ट्रिप पे जब आप जा रहे हो तो वाह यार। They made it beautiful. नहीं नहीं एक बात बताओ, जब हम फ्लाइट में होते हैं और आपका बारी आता है एग्जिट करने का तो ये खड़े क्यों हो जाते हैं सारे लोग, इतनी लंबी लाइन लगी हुई, घुटन हो रही है लोगों को, धक्का मार रहे एक दूसरे को। उसके बाद हम उतरे, किसी तरह भगवान का नाम लेके हम लोग जिंदा विंदा पहुंच गए। वी लैंडेड एट पोर्ट ब्लेयर। फाइनली आप देख रहे हो इतने घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली हम पोर्ट ब्लेयर पे आए और हमारा सामान सबसे पहले आया, पता है पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में हमें और विचित्र चीजें दिखी जो हमको रेलवे स्टेशन पे नहीं दिखी थी। एक तो कुत्ता बहुत अलर्ट हमी को भौंकने लगा, ये औरत को देखो, हम तो कह रहे गाइस कि ये मशीन हम अपने घर पे लगवा लेते और उसके ऊपर कोरियो को बैठना सिखा देते, घर की सफाई का खर्चा बच जाएगा। मस्त इसके स्कूटर के ऊपर नीचे चारों तरफ पोछे लगे हुए थे और मस्त पोछा मार रही है ये औरत। और इतना ही नहीं, ये जो कुत्ते के साथ जो आप देख रहे हो ये फैन थी शिवानी की, और ये शिवानी उसे देखकर इंस्पायर हो गई कि मैं भी लाऊंगी, मैं शुगर ग्लाइडर को अपने लेके प्लेन में ट्रैवल करूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं शुगर ग्लाइडर को लेके प्लेन में ट्रैवल करूंगी। मैं क्या अंडमान दिखाऊं, मैं जाते ही इसने अपना एटीएम कार्ड एटीएम में फंसा लिया। ये कार्ड यहां से नहीं निकलेगा, अगर वो लोग कह रहे बैंक वाले भी आएंगे तो ये मशीन के साथ ये अंदर लेके जाएगा, मशीन के अंदर फिर वापस वो लोग वहां से निकालेंगे, अपने हाथ में नहीं देंगे। चल।
पहुंचे अपने होटल में, पहला होटल था वेलकम होटल ITC, वहाँ पे इतने स्माइलिंग फेस वाले लोग थे, पूरा 32 चार चार के हम लोग को वेलकम कर रहे थे। और हम दोनों शाने ना सी बीच देखने गए ना कुछ, हम दोनों सबसे पहले स्पा गए, स्पा होटल के स्पा मरम्मत कराने, इतना थक गए थे। छोड़ो ये सब, रूम का आप लोग देख लो कैसा दिख रहा है हमारे रूम से बाहर, पर ये रूम हमने सिर्फ 12 घंटे के लिए लिया था, मतलब ये सिर्फ चेक इन किया, हम यहाँ सोए और उठ के अब एक्चुअली मेन आइलैंड जा रहे हैं, हैवलॉक आइलैंड। ये मेरा स्टाइल चेक है बेबी, मेरी लुक को देख लो, क्योंकि इस पूरे ट्रिप पे मैंने अपना लुक बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड एंड सेक्सी रखा है, क्योंकि इट वाज अ कपल ट्रिप। यस, हम लोग सिर्फ हम दो ही गए थे, तो शिवानी का बड़ा मन था ऐसे ऐसे कपड़े पहने को, कुछ बहुत ज्यादा एक्सपोजिंग नहीं है, फिर भी उसको डर लगता था ये कपड़े कहीं और। यार मैं ससुराल में सास ससुर के साथ रहती हूँ, आई कांट वेयर सच क्लोथ्स, और हमेशा कोई टीम का मेंबर या कोई ना कोई होता ही है मेरे साथ, या कोई क्रिएटर, तो मैं अपने मेरे को जो पहनना पसंद है वो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाती हूँ, और बहुत बार वीडियोज भी बन रही होती है, मुझे बहुत सतर्क रहना क्लोथिंग को लेके, बट दिस टाइम आई वॉन्टेड टू वेयर दैट आई लव वेयरिंग। एंड करती तो सारे तो अच्छा है, वो बोला हाँ पहनो पहनो कोई नहीं, मैं हूँ ना मेरे कभी हुक लगा रहा कभी बटन बंद कर रहा, वो तो क्यूट, बहुत क्यूट। इतनी बड़ी बोट थी, बताया नहीं, बोट भूल गई हम तो, बोट को ऐसा ही देखे, वो कहते हैं ये शिप नहीं बोट है, और बोट शिप जैसी थी, मैं इसको शिप बोलूंगी, हम तो कंफ्यूज हो गए थे, बोला नहीं ये बोट है भैया, शिप अलग होती है, क्रूज अलग होती है, वो लोग डिफ्रेंशिएट करने लग गए। सो भाई नीला पानी ऑरेंज शूज बड़ी बोट के साथ घुसे हम अंदर, और अंदर जाते ही हमने ठूसना उसना चालू कर दिया, एक्सप्लोर किया पूरा, मतलब भगवान ने जगह ऐसी बताई बनाई है कि कोई भी एंगल से कैमरा ऑन करो फ्रेम मिलेगा तुमको, ये देखो क्या सुंदर है। फाइनली फाइनली हम लोग हैवलॉक आइलैंड पहुंचे, फाइनली अब मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई है यहाँ से, और जो बॉटल देख रहे हो अभी भी मेरे हाथ में हो, तब से मेरे हाथ में, मैं लेके चला हूं। अरे इसने हैवलॉक आइलैंड पे पानी की ये बॉटल खरीदी, और मैंने बोला भाई हम नहीं पियेंगे पानी, हम तो कोल्ड ड्रिंक जूस सब पी रहे हैं, नारियल पानी पी रहे हैं, ये काम की नहीं, तू रख दे, नहीं हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाएगी करके इसने उठाया। पता नहीं लड़के लड़कियों की बात क्यों नहीं सुनते, अगर कभी जरूरत पड़ जाती है SOS में तो होनी चाहिए ना पानी की बॉटल, एक तो होनी चाहिए भाई। मैं हैवलॉक आइलैंड उतरी, मैंने ऐसे झांका, इतना साफ पानी भाई, देख लो कैसे मछलियां साफ दिख रही हैं, अभी तो हम सी के अंदर डाइविंग भी नहीं मारी, बाहर ही शोर पे ही एकदम घूम रही है मछलियां मस्त। वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज जिसमें मैं रुकी CGH प्रॉपर्टी, अगर आप कभी बुकिंग कर रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली गो देयर, मेरा रिकमेंडेशन है। यहाँ जाते ही रूम क्या लोग बड़े अच्छे थे, स्माइलिंग फेसेस, कोकोनट वाटर, घास की माला, बड़ा अच्छा इन्होंने वेलकम किया, द रूम वॉज स्पेक्टेकुलरली ब्यूटिफुल। और वहाँ जाते ही मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, मुझे एक लॉकेट मिला। ओके गाइस, शेयरिंग समथिंग वेरी पर्सनल, जब हमारा अफेयर चल रहा था तो तुषार को मैंने एक टेक्स्ट किया रात को, जिसमें लिखा था से नो फाइल और स्लीप टुगेदर ऑन सैटरडे। एक्चुअली मैं उसको बोलने वाली थी कि टाइपो एरर था, मैं उसको बोल रही थी कि हमारी लॉ की फाइल जमा कर दो क्योंकि मैं सो रही हूँ सैटरडे, और वो कुछ टाइपो एरर हो गया नींद में, एंड तुषार ने डिकोड करके मेरी फाइल सबमिट कर दी। तो वहाँ से मुझे पता चला कि यही वो लड़का है जिसके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी है, और उसने अभी रिसेंटली मुझे एक पेंडेंट गिफ्ट किया है, ये एक छोटा सा एनवलप है, और इस एनवलप में से ये निकलता है जिसमें लिखा हुआ है से नो फाइल और सी टुगेदर ऑन सैटरडे, और आज मैं पूरे बीच में इसी को पहन के घूमने वाली हूँ क्योंकि यहीं से हमारा प्यार स्टार्ट हुआ था, से नो फाइल और सी टुगेदर ऑन सैटरडे। तो हमने, हमारा वैसे तो पूरा जर्नी बुक था, बट फिर भी हमने एक्टिवा ली क्योंकि, मतलब मैं बताती हूँ, हमारी कैब हर चीज बुक्ड थी, इसने फिर भी खर्चे करके एक्टिवा भाड़े पे उठाई। अरे यार हमें घूमना था मजे, अपने हिसाब से सिर्फ मैं और ये, तो यही तरीका था। और हम लोग वहां से सीधा गए राधानगर बीच, इतना सुंदर पानी, इतना साफ पानी, बड़ी मस्ती की, बड़े सारे फैंस मिले, मुझे आद्या की बहुत याद आ रही थी, तो मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगी वहाँ पे, और मैंने बचपन वाली जो फन होती है ना, सब पानी के अंदर डूब डूब के गिरना, नहीं तो हमेशा क्या होता है आद्या या कोई होता है मेरे साथ तो मुझे उसका ध्यान रखना होता है, पहली बार मैं आद्या थी। अरे फेंको इसको, अरे फेंक दो, अरे आ जाएगी क्या, इसको लेके जाओगे क्या, नहीं लेके जाएंगे, सामान में जगह ही नहीं है, फेंक दो, मैं रख लूंगी, फेंक दो फेंक दो, और आके ले लेंगे, ऐसा होगा तो आज ही लेके जाओगी क्या सब कुछ, चलो। तो मैं
मतलब बहुत एंजॉय की, बड़ा मजा आया राधानगर बीच में, हमने थोड़ा सा कपल टाइम भी स्पेंड किया, बहुत प्यारा क्लीन था बीच था, यस बहुत क्लीन था, नीचे तक दिख रहा था कि मैं कहाँ खड़ी हो रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एवरीथिंग वाज विजिबल, बहुत क्लीन पानी था। फिर शाम तक हम वहीं थे, जैसे जैसे सूरज ढल गया फिर हम लोग निकले एक लेट नाइट ड्राइव पे, मस्त अंधेरा था, छोटा सा 16 किलोमीटर का पूरा आइलैंड है, आप देख सकते हो भाई 8 बज रहे घड़ी में और एक आदमी नहीं है, पूरी रोड भूतिया हुई है, तो हमने सोचा एंड तक डिस्टेंस कवर करके आएंगे, इसने क्या बोला, अरे मैंने बोला यार बेफालतू में क्यों रिस्क लेना भाई, बच्चा बच्चा है हमारा, काहे इतना रिस्क ले रहे, चुपचाप यूटर लेके घर चलते हैं भाई, यूटर लेके हम घर जाने लगे। बीच में इसने बोला चल खाने के लिए कुछ ले लेते, क्योंकि हमें वाइब आ गई थी कि अगर एक बार दुकानें इस जगह पे बंद हो गई तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हमने बोला थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते चिप्स विप्स ना घुपचे में डाल लेते, तो तुषार उतरा, मैंने सोचा कि थोड़ा स्कूटी घुमा के आती हूँ और मैं खो गई लेता एक 16 किलोमीटर के आइलैंड में, जो एक सीध पे मैं उसमें भी खो गई, फिर मैं पूरा पैनिक हो गई, फिर उसने बोला आराम से तू जीपीएस लगा, मैं तेरे को लोकेशन भेज रहा हूँ, जीपीएस देखते देखते मैं आई और मिल गई इसको, थैंक गॉड मुझे शान में जान आई। एक घंटा लगा दिया भाई, कहाँ गुम हो गई थी भाई, बहुत आगे चली गई। हाँ मुझे पता चला तुमने बोला पोर्टी पहुँच गई, मैंने बोला चलो ठीक है भाई, मेरे को यहाँ से पता चल रहा था कि तुम वहाँ चली गई, जबकि उल्टा गई थी तुम। मैं बोला इतना बड़ा कांड कर लिया, मैं बोला चुपचाप हम होटल में रहते ये लायक नहीं, नहीं उसके पहले इसने बोला लेट्स एक्सप्लोर द बीच। हाँ व्हाट, लेट्स एक्सप्लोर द बीच एट नाइट, यहाँ पे चीटियां नहीं क्रैब्स चल रहे थे नीचे, तो हमारे होटल का ही तो बीच था वो, उसमें क्या हुआ। आई गॉट सो फ्रीक्ड, आई वाज सो स्केयर्ड, इस बीच में नीचे केकड़े चल रहे हैं, आसमान में कोई है नहीं, ऊपर से कुछ टप टप गिर रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये अब जाने का नाम नहीं ले रहा है, अजीब सी जगह है, पूरी अंधेरी सी और आगे जाके सी बीच है, ये लाइट हाउस बन के खड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्रैब व्रैब सब नीचे घूम रहे एकदम भयंकर टाइप से, मैं तो ऊपर चढ़ के बैठ गई हूँ, ये बोलेगा चलने को, मैं तो ऐसे उल्टे पैर भागूंगी यहाँ से। तुषार प्लीज ये सब जोक्स मत करो मेरे साथ, विशु मुझे अब भी नहीं दिख रहे हो, प्लीज मत जाओ ना, पानी है, मेरे को डर भी लग रहा है, इतना सुंदर बीच था, पूरा ब्लैक था, सिर्फ पानी की आवाज आ रही थी, दूर एक सामने आइलैंड पे एक लाइट हाउस चल रहा था, इसके दूर से लाइट घूम रही थी और मधुर कोई कीड़े वड़ों की हल्की सी नेचर की आवाज थी, वो बहुत अच्छी मिक्स हो रही थी पानी के साथ, इतना मजा आया था ना वहाँ पे, बट ये वी आर वेरी डिफरेंट, आई एम वेरी डिफरेंट यार इस चीज में, मैं तो सेफ रहना पसंद करती हूँ। और फिर आ गया था फाइनली मिडनाइट, मतलब बर्थडे टाइम, शिवानी के लिए मैंने केक का अरेंजमेंट पहले से करके रखा था, थैंक गॉड छोटा सा आइलैंड, यहाँ पे केक मिलना बहुत मुश्किल है, अगर नहीं किया होता तो फंस जाते। आफ्टर आई गेस ऑलमोस्ट 10 years हमारे रिलेशन को 13 years हो गए, कुछ 10 साल के बाद मैं और तुषार अकेले बर्थडे मना रहे थे, लाइक ओनली मी एंड हिम, सिर्फ तुषार था, उसके हाथ में कैमरा था और मेरे हाथ में बर्थडे केक था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर शिवानी, हैप्पी बर्थडे टू यू, दिस इज आवर 13th बर्थडे टुगेदर शिवानी का और मेरा, दैट्स हाउ ओल्ड वी आर, गैस हर एज अगर आप गैस कर सकते हो तो 13 साल तो हम लोगों को साथ में हो गए बर्थडे मनाते हुए भाई, तो अब आप बताओ इसकी एज अगर सही कमेंट में गेस कर ली तो मैं पिन करूंगा। कोई और गाने के लिए भी नहीं था बट इसकी आवाज सुन के मुझे उतना ही अच्छा लगा जितने बहुत सारे लोग होते, और यार बहुत टाइम बाद अकेले बर्थडे सेलिब्रेट किया। यार मतलब बर्थडे के समय हमने फ्रंट भी लेना है, साइड वाला यूट्यूब फॉर्मेट भी लेना है, सब लेना है, सब किया, सब लिया, मजे भी किए। छिपकली की छिपकली, बहुत छिपकली होंगी वहां पे, तुमको जितनी दीवार पे दिखाई देती उससे ज्यादा वहां होंगी। बर्थडे समय में ही कुछ सेलिब्रेशन यूट्यूब पे दिखाना है, बहुत सारे यस नोज होते थे, इस बार सिर्फ मैं और तुषार थे, कोई कंडीशंस नहीं, हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम व्लॉग लेंगे, मैं हमने जितना भी शूट किया वो इसलिए किया क्योंकि अच्छा लग रहा था शूट करना आप लोगों के लिए, और बस यहीं पे हमने बर्थडे मनाया और अंडमान के नेक्स्ट डे के लिए निकलने का सोच लिया। खत्म नहीं हुआ है अभी, तो बर्थडे स्टार्ट हुआ है, ब्लॉग खत्म हो रहा है, बर्थडे अभी स्टार्ट हुआ है। बर्थडे के दिन मैंने ना एस्थेटिक डेकोरेशन मांगा है ना एस्थेटिक केक मांगा है, मैंने बोला तुषार मेरे को अपनी ड्रीम में से एक एक्टिविटी पूरी करनी है, तो मैं जा रही हूँ स्कूबा डाइविंग। बर्थडे सेलिब्रेशन भाई एक यूट्यूबर का ऐसा होता है, कल वीडियो अपलोड होनी है और हमें 5 बजे निकलना है स्कूबा डाइविंग बर्ड वॉच के लिए,
इस समय कितने बज रहे, एग्जैक्ट टाइम बता दो। 2:04 भाई, 2:04 बज रहे और हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वाईफाई। 6 घंटे दिखा रहा है अपलोड में, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हो सकता है। 6 बजे हम लोग जा रहे, 4 घंटे बाद बर्ड वॉचिंग में, तो कैसे अपलोड होगा। हैप्पी बर्थडे टू मी। 40 फीट अंडर द ओशन, जिंदा वापस जाऊंगी कि नहीं नहीं पता, पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग आएगा कि नहीं पता। तो इसी बात पे इस व्लॉग पे तो लाइक कर देना यार, एटलीस्ट 50,000 लाइक मैं मांगती हूँ। मेरा बर्थडे है, यही गिफ्ट दे दो, 50,000 लाइक कर दो मेरे को। हैप्पी बर्थडे बोल के, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। ओ एक मिनट,